एंड इवनिंग इन केप टाउन, खतरों के खिलाड़ी की जो जंग है वो गर्म होती जा रही है और मेरे साथ एक कॉफी पी रहे हैं मोहित। तो मोहित को आपने ढेर सारे किरदारों में देखा है पर रियलिटी शो आई थिंक मोहित ने बहुत ज़्यादा नहीं किए हैं, लेकिन इस बार रोहित अपने खुद के किरदार को जी रहे हैं एंड ही हैज़ गॉट अ रफ एंड टफ पर्सनैलिटी। आई एम श्योर व्यूअर्स गोना बी हिज फैंस गोना लव इट। बट आप एक्चुअली मोहित, हम तो देख रहे हैं जो भी है, लेकिन खुद पे जो गुजरती है वही जानता है तो कितना टफ है ये शो। बहुत टफ है, आसान नहीं है, जितना मैंने सोचा था यार उससे तो कहीं ज़्यादा टफ है। कहने के लिए देखने के लिए जो हम देखते हैं स्टंट्स तो लगता है कि यार कर लेंगे, हो जाएगा, बट व्हेन यू आर इन दैट मोमेंट और आप यू नो कर रहे होते हो, इट्स ट्रस्ट मी इट्स रियली डिफिकल्ट। बहुत प्रेशर होता है कभी कभी, तो यू नो इतना प्रेशर होता है कि आपके अपोनेंट ने कर लिया है, आपको लगता है आपको भी करना है और आपको जल्दी करना है और बहुत प्रेशर होता है। तो इट्स ऑल अबाउट यू नो स्टेइंग काम इन दैट मोमेंट एंड बीइंग इन दैट मोमेंट, बीइंग माइंडफुल एंड डूइंग द स्टंट क्विकली एंड कहीं की बार क्विकली, कहीं की बार वेरी कामली कंप्लीटिंग द स्टंट। बट या बहुत आसान नहीं है ये शो, बिल्कुल आसान नहीं है। लोगों को लगता है कि यू नो बहुत आसान हो जाता है, या फिर कहीं कहीं लोगों को लगता है कि अरे नहीं बीच बीच में कट करके भी करते हैं, नहीं, इट्स ऑल वन टेक एंड ट्रस्ट मी इट्स स्कैरी, समटाइम्स इट्स स्कैरी। कहीं की बार मुझे लगा था मैं तो गया, मैं अभी नहीं बचूंगा, लेकिन एज आई सेड एज आई ऑलवेज से रोहित सर इज ऑलवेज देयर टू गाइड यू, ऑलवेज देयर टू सेव यू, और कुछ भी देयर नथिंग व्हिच कैन गो रॉन्ग एक्चुअली, बट इट जस्ट दैट फियर ऑफ डेथ, और उसी को काबू पाना है यार, उसी को ही कॉन्कर करना है और वही चैलेंज है, वही शो का मकसद भी है। तो आसान नहीं है यार स्टंट्स, यू आर राइट, इट्स डिफिकल्ट। और आपके घर में अभी हाल ही में खुशियाँ एक भी रहा है, तो खुशियाँ लेकर आया, उसके बीच मन करता है कि घर में अपने बेटे के साथ वक्त स्पेंड करें, तो वो भी एक मुश्किल होगी, बट आई थिंक अदिति और एकबीर की दुआएं आपके साथ हैं, तो हाउ मच आर यू मिसिंग देम एंड हाउ मच हैज़ बीन, आई एम श्योर होटल जाते ही वापस आप वीडियो कॉल पर ये कमी पूरे कर रहे होंगे, सो हाउ इज़ इट मिसिंग योर फैमिली? इट्स नॉट गुड, मिसिंग माय फैमिली इज़ नॉट गुड। जैसा कि आपने कहा, सही कहा, जब भी मैं स्टंट करके वापस रूम में जाता हूँ और मैं अकेला होता हूँ, आई फील टू लोनली एंड टचवुड यहाँ पे भी आई हैव फ्रेंड्स, अभी तो दोस्त बन गए हैं और थोड़ा सा है सपोर्ट, बहुत सपोर्ट है, बट स्टिल यू मिस, आई मिस एकबीर, आई मिस अदिति। मैं एकबीर से इतना दूर अभी तक नहीं रहा था, पहली बार भी इतना हो गया, यू नो कि अवे फ्रॉम हिम, इट्स बीन टू वीक्स नाउ ऑलमोस्ट, वो भी मुझे बहुत मिस कर रहा है और मैं उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। But yeah, you know, it's a challenge. Again, it's a challenge, and I'm sure it's gonna help me in my life somewhere, and help him also somewhere in his life. ये वक्त भी ज़रूरी है, अकेला रहना भी ज़रूरी है, miss करना भी ज़रूरी है. So that's what is happening, and yeah, मैं पूरी यार जब भी मैं ऐसा कुछ miss करता हूँ तो मैं call लगा लेता हूँ और मैं video call पे रहता हूँ mostly, उससे बात करता रहता हूँ. वही कर सकते हैं और क्या करूं बताओ, और कुछ नहीं कर सकता मैं, आई हैव टू बी हियर, आई हैव टू यू नो आई हैव साइंड अप फॉर समथिंग बिग एंड आई वांट टू स्टे टिल द एंड, आई वांट टू विन द शो, बट या यू मिस हिम, बट दैट्स गोना स्टे विद मी यार, उसके साथ ही मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा, तो इट्स नॉट ईजी। खतरों के खिलाड़ी हमेशा अपने लोकेशन के लिए जाना जाते हैं, तो केप टाउन सबसे के खतरों के खिलाड़ी के साथ सबसे ज़्यादा यहाँ पे शूट हुआ है, तो साउथ अफ्रीका की ये कैपिटल है, हमारे बॉलीवुड में बहुत फिल्मों में इसकी लोकेशन दिखाई गई है, तो हाउ ब्यूटीफुल आर द लोकेशंस बिसाइड द डेडली स्टंट जो आप कर रहे हैं? ब्यूटीफुल लोकेशन यार, जब भी हम किसी नए लोकेशन पे जाते हैं तो मैं तो बस आसपास नज़ारा देख रहा होता हूँ, इतनी सुंदर लोकेशन होती हैं, बादल आए होते हैं, पहाड़ होते हैं, कमाल का वाइल्ड लाइफ है, कमाल के पक्षी हैं यहाँ पे, मतलब मैं तो नेचर, मेरे को नेचर बहुत पसंद है यार, तो मैं तो वही देखता रहता हूँ, फिर रोहित सर को मुझे बुलाना पड़ता है, मोहित कॉन्सेंट्रेट तो फिर वापस हम आते हैं और स्टंट करते हैं, बट मैं खो जाता हूँ, इतना सुंदर है केप टाउन, बहुत सुंदर, बीचेस कमाल के हैं और पहाड़ हैं, मौसम बहुत अच्छा है, लोग बहुत अच्छे हैं, एज आई सेड वाइल्ड लाइफ है, शॉपिंग है, यू नेम इट यार, हर चीज़ मिलती है आपको यहाँ पे, तो हर पूरी फैमिली आ सकती है यहाँ पे, हर किसी को उसका यू नो मन पसंदीदा चीज़ मिल जाएगी यहाँ पे, ब्यूटीफुल प्लेस है, आई थिंक इससे बेटर लोकेशन मिल नहीं सकती खतरों के लिए, बिकॉज यू गेट डॉक्स, यू गेट शिप्स, यू गेट वट एवर यू हेलीकॉप्टर, यू गेट यू नेम इट मैन एंड यू इट्स देयर ऑन द सेट्स, सो इट्स ब्यूटीफुल।
ऑलमोस्ट डेकेड से ज़्यादा आप टेलीविजन में रह चुके हैं. अभी जो हाल ही में जो सो कॉल्ड रिवोल्यूशन आया सोशल मीडिया का, द न्यू सेट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स, द होल थिंग हैज चेंज्ड. तो समवेयर कितना ज़रूरी हो गया आजकल ये सोशल मीडिया का प्रेशर. आपके शो में भी कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं, सो हाउ डू यू सी दिस इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया इन इन आवर लाइव्स, एंड स्पेशली हाउ इम्पॉर्टेंट इज सोशल मीडिया फॉर एन एक्टर? आई थिंक इट हैज बिकम वेरी इम्पॉर्टेंट राइट नाउ, सैडली आई वुड से. वेरी फ्रैंकली आई एम टेलिंग यू, इट्स कुछ लोगों से, कुछ लोग वेरी बहुत कंफर्टेबल होते हैं और मैं इतना कंफर्टेबल हूँ नहीं, यू नो, इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पे, क्योंकि मेरा काम जो है मेरा क्राफ्ट है और मेरी एक्टिंग है और यू नो ये सब भी करने के लिए वक्त निकालना पड़ता है और ज़रूरी है, हो गया है बिकॉज़ यू नो करना ही पड़ता है, डिमांड है और वो गेम हो गया है रूल का, मतलब रूल हो गया गेम का, वो तो करना ही पड़ेगा. बट आई पर्सनली आई डोंट लाइक इट सो मच, बट मैं कोशिश करता हूँ कि मैं एक्टिव रहूँ और करता रहूँ, कुछ ना कुछ फ़नी करता रहूँ, मज़े जो मज़े के लिए हो और मेरे लिए मुझे मज़ा आए तो करता रहता हूँ यार कुछ ना कुछ. बट जो भी लोग यहाँ आए हैं इन्फ्लुएंसर्स हैं वो बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट है, वो भी इतना इतने बड़े, इतनी फॉलोइंग है उनकी, इतने लोग चाहते हैं उनको, वो भी अपनी जगह बहुत बढ़िया है. इन अ वे ही इज दे बोथ आर वेरी टैलेंटेड, जितने भी लोग यहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स हैं दे वेरी टैलेंटेड यार, द वे दे इन्फ्लुएंस, द वे दे पोस्ट, द वे दे यू नो एडिट द वीडियोस, द वे दे आर सो गुड इन सोशल मीडिया, एंड आई एम सॉरी बट आई एम नॉट दैट ग्रेट, बट आई दे आर वंडरफुल इन देयर जॉब. सो जिसके लिए जो वर्क कर रहा है यार वो बढ़िया है, तो अच्छी बात है यार, चलता रहे सबका, सबकी जिंदगी चलते रहे, सबका काम चलते रहे यार. बट मेरा मैं ट्राई करता हूँ यार, मैं इतना कोई प्रो नहीं हूँ, मैं फ्रैंकली बोल रहा हूँ, बट मैं ट्राई करता हूँ कि मैं रील बना सकूँ, कभी पोस्ट डाल दिया. मेरी टीम मेरे पीछे पड़ रही होती है कि यार प्लीज़ 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 पोस्ट डालो, वरना कुछ नहीं डाला आपने. मैंने कहा मैं डालता हूँ यार, मेरे यू नो मूड पर डिपेंड होता है. सो यार कौन लगता है कौन स्ट्रॉन्ग है, ये जो पतली दुबली लड़कियाँ हैं, लेकिन मैंने सुना बड़ा अच्छा खेल खेल रही हैं. बहुत बढ़िया पतली दुबली, ये लगती पतली दुबली है लेकिन ये मतलब हिला के रख देती हैं, इतनी हेड स्ट्रॉन्ग है सारे के सारे और इतने स्ट्रॉन्ग है, मतलब कमाल है. मतलब मैं ट्रस्ट में मैं शॉक हो गया हूँ देख के, इतनी ज़्यादा हेड स्ट्रॉन्ग है. जन्नत, अनेरी, शिवांगी, दे आर वंडरफुल, दे आर गिविंग अ टफ कॉम्पिटिशन टू एवरी वन इन द शो. इट्स ब्रिलियंट, इट्स सो ब्यूटिफुल टू सी गर्ल पावर, यू नो, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ ऑल ऑफ देम यार. आई एम रियली प्राउड, देख के स्टंट देख के मज़ा आ जाएगा सबको यार, क्या क्या बढ़िया स्टंट किए हैं लड़कियों ने यार, कमाल. चलिए मोहित, उम्मीद करते हैं जिस तरह आपने अपने संजीदा किरदारों से दिल चुराया, इस बार भी जो अपना रियल लाइफ किरदार और अपने डेयर डेविल अंदाज से, आई एम श्योर यू विल रॉक. ऑल द बेस्ट. एंड एंडिंग नोट में व्हाट यू हैव टू से टू योर फैंस. साउथ अफ्रीका आपके बहुत सारे फैंस हैं, मुझे पता है कि डोली अरमानू की जब आता था यहाँ पे, इट वाज वन ऑफ द वेरी पॉपुलर शो इन साउथ अफ्रीका. इफ कुल्फी, यस कुल्फी इज अ बिग हिट. एंड मैं कल मॉल गया था, वाज लिटरली मॉब्ड. मैंने कहा ओ गॉड, आई डिडंट नो दैट कुल्फी इज सो पॉपुलर इन साउथ अफ्रीका. एंड स्ट्रेंजली एंड शॉकिंगली यू नो डोली अरमानू के फैंस अभी तक हैं, अभी भी वो दे रिमेंबर मी फ्रॉम सम्राट, एंड इट्स अमेजिंग, कमाल. जैसा मैंने कहा कि लोग बहुत ही वार्म हैं और यू नो कमाल के लोग हैं यार, इतने प्यार से मतलब आपसे मिलते हैं, दे वांट टू गेट कलेक्ट पिक्चर्स एंड विद यू एंड दे रिस्पेक्ट यू, अमेजिंग यार. और आई एम सो हैप्पी दैट बाहर आके भी यू नो यू व्हेन यू सी दैट योर शो हैज़ बीन यू नो इज बीन अ हिट हियर. एंड या दे हैव सम ऑफ देम मेड रील्स आउट ऑफ कुल्फीज म्यूजिक, अपना गानों के रील्स बनाए हुए हैं कुल्फी के किसी ने, तो ले लॉट ऑफ देम अमेजिंग. I'm so happy that my show is a big hit here. बहुत बहुत खुशी होती है देख के, और वही वो सबसे बड़ा अवार्ड होता है यार, यू नो आपके फैंस आपको मिलें और बाहर किसी दूसरी लैंग्वेज के फैंस, दे डोंट इवन नो कि यू नो कि आप यू नो आपकी लैंग्वेज क्या है, बट द लैंग्वेज इज़ बीन डब्ड इन साउथ अफ्रीकन लैंग्वेज, एंड इट्स अमेजिंग यार, कमाल है. मतलब कैसे हमारा इंडियन टेलीविजन इतना बड़ा है और इतनी डाइवर्सिटी है, इतनी यूनिटी है और इतना कमाल है यार. मतलब इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल फीलिंग यार व्हेन यू गो आउट ऑफ इंडिया एंड यू मीट फैंस यार, अमेजिंग. चलिए मोहित, ऑल द बेस्ट एंड यू रॉक. दैट्स ऑल वी कैन से. थैंक यू सो मच. एंड मैं चाहता हूँ कि मैं अपने सारे फैंस से बोलना चाहता हूँ कि मेरी रियल लाइफ अभी तक आई थिंक झलक में थोड़ा बहुत आप लोगों ने देखा होगा मुझे, और बट मेरी एडवेंचरस साइड नहीं देखी है. सो
स्टे ट्यून्ड, वॉच खतरों के खिलाड़ी 12 एंड ट्रस्ट मी आई वोंट डिसअपॉइंट यू. थैंक यू. थैंक यू सो मच. दैट्स अ प्लेजर टू टॉक टू यू.